हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि अगर आप भी योनो SBI यूज करते हैं और आपके योनो SBI में देख सकते हैं इस तरह से प्रॉब्लम आ रही, देख सकते दिखाई दे रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशू, यहाँ से देख सकते इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, और यहाँ से कभी कभी आपको समथिंग इन रॉन्ग आ रहा है इस तरह से प्रॉब्लम। यहाँ से रीट्राई पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं जितने बार रीट्राई पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ से हमारा यह प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है। तो इसको प्रॉब्लम को कैसे आप सही करेंगे आज की इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह प्रॉब्लम आ रही है इसको ओके करने के बाद यहां से जब लॉगिन पिन डालते हैं, लॉगिन पिन डालने के बाद यहां से देख सकते हैं आपको दिखा दे रहा है टेक्निकल इशू, देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई। यहां से कोई भी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं योनो SBI का, सबसे पहले योनो SBI से बैक आएंगे। योनो SBI से बैक आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करिएगा। फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर देने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैनेजमेंट का ऑप्शन, ऐप्स मैनेजमेंट का। अगर आप में ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो आप ऐप्स पर क्लिक करिएगा। ऐप्स पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप अपने ऐप लिस्ट में जाइएगा, देख सकते हैं यहाँ से हमने ऐप लिस्ट में आ चुका हूँ। ऐप लिस्ट में आने के बाद ऐप लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन होंगे सारे एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, जो आपका योनो SBI रहेगा आपको ऊपर देख सकते सर्च बार दिखेगा, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं योनो SBI। अगर सर्च करना नहीं चाहते तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो नंबर वाइज जैसे नाम के लेटर में रहेगा योनो SBI, तो सबसे वाई से आएगा तो यहाँ सबसे नीचे में वाई रहेगा, तो आप यहाँ से योनो SBI पर आपको क्लिक कर देना होगा। देख सकते दिखाई देगा आपको, इसको एक बार क्लिक कर देने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, देख सकते दिखा देगा फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, तो इसको एक बार आपको फोर्स स्टॉप कर लेना होगा। फोर्स स्टॉप कर देने के बाद स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लियर कैच कर लेना होगा। ऊपर में दिखा देगा क्लियर डेटा का ऑप्शन, तो आपको क्लियर डेटा नहीं करना होगा, नहीं तो आपका यहाँ से जो भी आपका अकाउंट होगा योनो SBI का वो लॉग आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्लियर कैच करके बैक आ जाना होगा। क्लियर कैच करके बैक आने के बाद यहाँ से दिखा देगा डाटा यूज डिटेल का ऑप्शन, डाटा यूज डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपका देख सकते बैकग्राउंड डाटा ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा, और ऐसे कोई भी डाटा डिसेबल रहेगा तो उसको बंद कर दीजिएगा। देख सकते मेरा सारा कुछ ऐसे सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से कट करके आप बैक आ जाएंगे। कट करके बैक आने के बाद आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेगा। प्ले स्टोर को ओपन कर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ से सर्च करिएगा योनो SBI। यहाँ से फ्रेंड योनो SBI को सर्च कर देने के बाद अगर आपका योनो SBI एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा होगा तो आप अपना योनो SBI एप्लीकेशन को अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट कर देने के बाद यहाँ से क्या होता है फ्रेंड, यहाँ से कोई भी आपके योनो SBI में ऐसे जो भी आपका लॉन्ग ऐसे जो भी आपका रॉन्ग था जो भी आपका प्रॉब्लम था वो आपका 100% ऐसे सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं जब अपडेट कर देंगे यहाँ से न्यू वर्जन में आपका योनो SBI हो जाएगा। न्यू वर्जन में योनो SBI होने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ से देख सकते ओपन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो आपको ओपन नहीं करना होगा। अब यहाँ से इसको कट करके बैक आ जाना होगा। यहाँ से कट करके बैक आने के बाद ऊपर से आपको एक बार स्वाइप करना होगा। ऊपर से स्वाइप कर देने के बाद यहाँ से दिखा देगा एयरप्लेन मोड का ऑप्शन, तो आप अपने एयरप्लेन मोड को एक बार ऑन करिएगा। इसको ऑन कर देने के बाद 1 से 2 सेकेंड वेट कर देने के बाद जो आपका यहाँ से एरोप्लेन मोड होगा उसको फिर से ऑफ कर दीजिएगा। देख सकते मैं लाइव रूप से यहाँ से ऑन ऑफ कर लिया, इस तरह से आप भी ऑन ऑफ कर दीजिएगा। इसको ऑन ऑफ कर देने के बाद ऊपर से जब फिर से डाटा चालू करेंगे जब आपका नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क आने के बाद यहां से फिर से आप अपने मोबाइल के मेनू बार को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका योनो SBI होगा योनो SBI पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर देना होगा। योनो SBI को क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे, ओपन कर देने के बाद यहाँ से जब भी आप लॉग इन MPIN डालेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।